हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास टेंथ के बच्चों का है, बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण। हमने पेपर देखा तो इस तरह का प्रश्न आया हुआ था, और इस तरह का प्रश्न इस साल ही नहीं आया हुआ था, जो हुआ 2023 में जो हुआ उसमें ही नहीं, प्रत्येक वर्ष हमने देखा आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मिस मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि a बराबर 4x² दिया है, a बराबर 4x² ठीक है, और b बराबर दिया है 16x²y³, तो a व b का LCM क्या होगा? a व b का LCM क्या होगा? तो कहने का मतलब है, a व b का LCM का मतलब हुआ इसका LCM, ठीक है ना। तो देखो, a बराबर 4x² है, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2×2×x×x, ठीक है। इसके बाद में b बराबर दिया है 16x²y³, तो इसको आप लिख सकते हो 2×4×8×16, ठीक है ना। इसको आप ऐसे यहाँ साइड में निकाल सकते हो, 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 होगा, फिर 2 से काटेंगे 2 होगा, फिर 2 से काटेंगे कैंसिल, फिर x स्क्वायर है तो × x × x होगा, फिर y क्यूब है तो × y × y × y, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है, तो यहां लिखो, इसलिए a व b का LCM बराबर a व b निर्भर करता है इस पर, और b निर्भर करता है इस पर, इसलिए a व b का LCM इन्हीं पर निर्भर करेगा। तो देखो, इसको लगाने का क्या नियम है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो मिलेंगे उनको हम लिख लेंगे। जैसे ये मिल गया, ये मिल गया, इसको हमने लिख दिया, फिर ये मिल गया, ये मिल गया, इसको हमने लिख दिया, फिर देखो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसको लिख दिए, फिर ये मिल गया, इसको लिख दिए। पहले जो दोनों में मिलेंगे उनको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो जो मिल रहा है उसको हमने लिख लिया, अब जो जो बचा है उसको भी लिख देंगे। तो यहाँ क्या बचा है, 2×2, तो 2×2 लिख देंगे, फिर यहाँ क्या बचा है, y का गुणा 3 बार, तो y×y×y, समझ में आया। पहले हमने क्या किया, एक 4x² का गुणनखंड लिख दिया, फिर हमने 16x²y³ का गुणनखंड लिख दिया, फिर हमने दोनों में जो मिला पहले उस पे हमने क्या, जैसे 2×2 मिला तो 2×2 लिख दिए, xx मिला xx लिख दिए, बाद में ये नहीं मिल रहा था बच गया तो इसको भी लिख दिए, ये नहीं मिल रहा था बच गया इसको भी लिख दिए। अब बाद में क्या हो जाएगा, 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×2 = 16, तो 16 हो गया, x² y का गुणा जब 3 बार करेंगे तो घाता जुट जाएंगे, तो y पर हो जाएगा 3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है m बराबर 4a³b और n बराबर 18ab, तो m व n का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, इसमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना था। तो देखो, m बराबर क्या दिया है, m बराबर दिया है 4a³b, तो इसको आप लिख सकते हो 2×2, 2×4, a क्यूब है तो a × a × a क्यूब हो गया × b, ठीक है। इसके बाद में n बराबर क्या दे दिया है, n बराबर दिया है 18ab, इसको आप लिख सकते हो 2×3 = 6, 3×18, ऐसे आप यहाँ निकाल लो, 2 का भाग 18 में देंगे 9, फिर 3 से देंगे 3, फिर 3 से देंगे 1, ठीक है, × a × b। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर जो दोनों में रहेगा वही लिखना है। तो देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको लिख दिए, ठीक। अब देखो, 2 इस, अब क्या है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 3 इसमें है, इसमें है, नहीं है, नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें 2 है पर इसमें नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे, जो दोनों में रहेगा उसी को लिखना है। अब देखो, ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो हमने ए लिख दिया, बी यहाँ है, बी यहाँ है, हमने बी लिख दिया, ठीक है ना। ए एक बार इसमें है, एक बार इसमें है, लिख दिया, फिर ए यहाँ तो है, फिर इसमें नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे, जो दोनों में होगा वही लिखा जाएगा। तो देखो, एक बार 2 इसमें
और इसमें मैच कर रहा है तो एक बार दो लिख दिए, एक बार ए दोनों में मैच कर रहा है तो हमने एक बार ए लिख दिया, एक बार बी दोनों में मैच कर रहा है तो एक बार हमने बी लिख दिया, बाकी जो नहीं मैच करेगा नहीं लिखेंगे। एलसीएम में हमने क्या किया था, पहले जो मैच किया वो लिखे, फिर जो नहीं मैच हुआ वो लिखे, वो एलसीएम में था, परंतु एचसीएफ में जो मैच करेगा उसी को लिखना। ठीक, तो दो का गुणा एबी में करेंगे तो बराबर हो जाएगा 2ab, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है 4x, 6, 7, 8 का समांतर माध्य 6 है। क्या है, समांतर माध्य बराबर दिया है, क्या दिया है, समांतर माध्य बराबर दिया है 6, किसका, 4, 6, 7, 8 का, तो यक्ष का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है, चूंकि सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। कितना मस्त सवाल है यार, दिमाग घुमा देगा। ठीक है, समांतर माध्य के जगह पे 6 दिया है तो 6 रख दो, पदों का योग तो पद क्या है 4 है तो 4 हो गया, फिर यक्ष है तो यक्ष हो गया, फिर 6 है तो 6 हो गया, फिर 7 है तो 7 हो गया, फिर 8 है तो 8 हो गया। ठीक, बटे पदों की संख्या कितनी पद है, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे हो गया 5। कितना आसान था, अपान 1 कर दो, अब इसका ऐसे तिरछी तिरछा गुणा कर दो। ठीक है ना, गुणा करोगे तो देखो, एक का गुणा करोगे तो यही आएगा, इसको जोड़ लो, 6, 4, 10, 10, 7, 17, 3, 20, 5, 25, ये हो गया यक्ष धन 25। अच्छा क्या करते हैं बच्चे, 25 यक्ष लिख देते हैं। अरे ना ना ना, ये गलती मत करना, गुणा नहीं करना है, यक्ष को जोड़ना है, तो यहाँ 25 धन यक्ष लिखेंगे। ठीक है ना, 25 यक्ष लिख दिए, भैया गई भैंस पानी में, तो भैंस पानी में नहीं ले जाना है, भैंस को डाणे लाना है और नंबर लाना है। ठीक है ना, तो 4, 6, 10, 7, 17, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और धन यक्ष है तो धन यक्ष लगाइए, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 आएगा, या यक्ष बराबर क्या हो जाएगा 30 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो या यक्ष बराबर कितना मिलेगा 5, यानी यक्ष के जगह पर होगा 5। और आप लोग अच्छे से अगर समझ गए तो आपके गांव के लोग देखेंगे खूब अच्छे से नाच, क्योंकि आप जब नंबर ज्यादा लाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, झूमेंगे गाएंगे, और आपके टोला मोहल्ला के लोग देखेंगे वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, वो भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए जागरूक करेंगे। तो इस वजह से ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और ये प्रश्न देख लीजिएगा, 3 प्रश्न था, 3 में से 2 प्रश्न अगर नहीं आपके एग्जाम में फंसा तो हमारा वीडियो कभी मत देखिएगा, फेंक नहीं रहे हम, फेंकने वाला काम नहीं कर रहे, एकदम सही बता रहे। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।